दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ भारत एग्री के हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम थोड़ी सी अलग बात करेंगे। क्या आपने अपने खेत में कभी चूहे की समस्या देखी है? कई सारे किसान हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ रहे थे कि हमारे खेत में चूहे की समस्या बहुत आती है, लगभग साल भर वो रहती है, हमने कई तरह के अलग अलग उपाय करके देखे लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, खेत में इन चूहों से बचने के लिए कुछ हमें उपाय बताए। चिंता ना करें किसान भाइयों, आज के वीडियो में हमने खेत में चूहों को कैसे कंट्रोल करें इसके बारे में जो भी हमने रिसर्च किया है वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरी आपसे एक राय है कि वीडियो अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में आपके सुझाव यानी ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के लिए। दोस्तों, अपने खेत में कीट और रोगों की समस्या ये अब आम बात हो चुकी है, यानी हर मौसम में कीट और रोग आते ही आते हैं। लेकिन अभी एक दूसरी समस्या किसान भाइयों को बहुत ही सता रही है, वो है खेत में फसल के ऊपर चूहों का प्रकोप। जी हाँ, खासकर जब अपनी फसल पक्व अवस्था में चली जाती है यानी मैच्योरिटी स्टेज में चली जाती है, तब हमारी फसल को इन चूहों से सबसे बड़ा नुकसान होता है। कई किसानों ने तो ये कहा है कि इन चूहों की वजह से लगभग हमारी फसल में 20 से लेकर 30% का नुकसान हुआ है। यानी आप समझ चुके होंगे कि इन चूहों को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि आपकी फसल में चूहों का प्रकोप हुआ है, यानी इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। सबसे पहला और बड़ा लक्षण होता है कि खोदी हुई मिट्टी। चूहे क्या करते हैं कि ज़मीन में अंदर तक गहराई तक जाकर एक बिल बनाते हैं और उनकी सारी मिट्टी ज़मीन के सतह पर लाकर रख देते हैं। अगर आपको ऐसे बिल दिखाई दे रहे हो, उनके आसपास अगर मिट्टी दिखाई दे रही हो, तो ज़रूर वहाँ पर चूहों का प्रकोप हुआ है। इसके बाद देखें तो अगर आपको अपनी फसल खाई हुई दिखाई देती है, कई बार आपको ऐसे खाने के चबाने के निशान दिखाई देते हैं, अपनी फसल के ऊपर कई अलग अलग प्रकार के दाग आपको दिखाई देते हैं, या फिर अपनी फसल ज़मीन से उठी हुई दिखाई देती है, क्या करते हैं ये चूहे अंदर जाकर बिल बनाते हैं और मिट्टी ऊपर लाकर रख देते हैं, तो अपने पौधे ऐसे थोड़े से ऊपर उठाई हुए दिखाई देते हैं। तो ये अगर लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो ज़रूर आपको चूहे के लिए उपाय करना ज़रूरी है। तो चलिए किसान भाइयों, ये तो थे लक्षण, अब जल्दी से देख लेते हैं कि इनके लिए उपाय क्या करने चाहिए। पहले मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा, उनके बाद कुछ रासायनिक उपाय बताऊंगा। घरेलू उपाय इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने खेत में अपने जानवर भी चले जाते हैं, कई बार अपनी बकरियाँ चली जाती है, कई बार अपनी गाय चली जाती है, तो उनके लिए डायरेक्ट रासायनिक उपाय घातक केमिकल या फिर कीटनाशक का इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है। कुछ घरेलू उपाय देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि रासायनिक कंट्रोल क्या करना है। पहला उपाय ये है कि आप काली मिर्च का उपयोग कर सकते हो। काली मिर्च की जो गंध होती है वो चूहे भगाने के लिए सबसे जालिम होती है और रामबाण उपाय साबित होती है। इसके बाद आप पुदीना का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप पुदीना के पौधे या फिर उनका तेल पानी में मिलाकर फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल करते हो तो इनकी गंध से भी कई बार जो चूहे हैं वो फसल के बाहर चले जाते हैं। कई किसान फिटकरी का भी इस्तेमाल करते हैं। फिटकरी की पाउडर अगर आप पानी में मिलाकर फसल के ऊपर जहाँ पर आपको प्रकोप दिखाई देता है वहाँ छिड़काव के लिए इस्तेमाल करते हो तो भी चूहे कंट्रोल में दिखाई देते हैं। कपूर की गोलियों का इस्तेमाल करना भी जालिम साबित होता है। अगर आप नीम ऑयल में यानी नीम तेल में कपूर की गोलियां मिलाकर अपनी फसल के ऊपर जहां पर प्रकोप दिखाई देता है वहां पर छिड़काव के लिए इस्तेमाल करते हो तो भी चूहे भगाने के लिए ये सबसे बेस्ट साबित होता है। आगे चलकर कई किसान गुड़ और तेल का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गुड़ तेल और रुई का मिश्रण बनाकर गोलियां बना देते हो और उन्हें अगर आप चूहे के बिल के पास या फिर उनके ऊपर रख देते हो तो ये चूहे जो है वो दम घुटकर मर जाते हैं। कई किसान रतनजोड़ और गुड़ वाला उपयोग भी करते हैं। इसमें आपको रतनजोड़ की पत्तियां आधा किलो लेनी है, उन्हें पीसकर आपको उसमें 100 ग्राम गुड़ मिला देना है और फिर इसमें 2 केले मिलाकर इनका मिश्रण बनाकर आपको एक गोलियां बनाकर चूहे के बिल के पास रख देनी है। ये भी चूहे भगाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। कई किसानों ने यह भी कहा है कि उन्होंने बेशरम और धतूरा का भी उपयोग किया है। इसमें आपको बेशरम की पत्तियां 1 किलो लेनी है,
5 धतूरे के फल लेने हैं, चना, मक्का या फिर ज्वार आपको आधा किलो लेना है और 5 लीटर पानी में इन्हें उबालना है। उबालने के बाद ये मिश्रण अगर आप चूहे के बिल के पास आसपास कहीं पर ऐसे डाल देते हो तो जरूर वहां से चूहे भाग जाएंगे। तो दोस्तों ये थे सारे घरेलू उपाय। अब कई सारे किसान ये कहेंगे कि भाई इसमें तो बनाने में बहुत टाइम जाएगा, जो भी सामग्री आपने बताई वो मिलेगी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं किसान भाइयों, घरेलू उपाय बताने का मेरा फ़र्ज़ था। मैं आपको यहाँ पर रासायनिक उपाय भी बताऊँगा जो दवा आप डायरेक्टली मार्केट से खरीद सकते हो और अपने खेत में प्रकोप जहाँ पर हुआ है वहाँ पर डाल सकते हो। मार्केट में आपको UPL कंपनी का रेटोल मिलेगा, एक कीटनाशी है खासकर चूहे के लिए बनाया गया है। इसको आपको 2 से लेकर 5 ग्राम किसी भी प्रकार के आटे में या फिर रोटी में या फिर ऐसे चीज़ में मिलाना है जो चूहे झट से खा जाते हैं। इनको मिलाकर आपको संक्रमित जगह पर रख देना है, चूहे आएंगे इन्हें खाएंगे और झट से वहीं मर जाएंगे। इसके बाद आपको सुमोटोमो कंपनी का कमांडो भी मिलेगा मार्केट में। इसमें जिंक फॉस्फाइड होता है 80% WP फॉर्मुलेशन में। यह आपको लगभग 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर संक्रमित जगह पर फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। ध्यान रखें सभी जगह आपको छिड़काव के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ वहाँ पर छिड़काव करना है जहाँ पर आपको संक्रमण दिखाई देता है। तो दोस्तों चलिए ये थी खेत से चूहे भगाने की, चूहे मारने की संपूर्ण जानकारी। मैंने जितना भी रिसर्च किया था वो आपके सामने रखा है। कई बार कई किसान इसके अलावा भी उपाय करते हैं या फिर अलग अलग नुस्खे आजमाते हैं, तो वो उपाय वो नुस्खे आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर भेजिए ताकि हमारे अन्य जो दूसरे किसान हैं वो उसका लाभ उठा पाए। आखिर में ये वीडियो, ये जानकारी आपके फायदेमंद थी नहीं थी, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और आपके अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत सारे किसान आते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों कृपया सब्सक्राइब करें। भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साइड वाले बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।